सुबह एक दर्दनाक हादसा होता है। एक बस एक चलती हुई महिला को टक्कर मार देती है पीछे से। जिस हादसे में उस महिला की मौत हो जाती है, बबीता नाम बताया जा रहा है। यूपी का परिवार रहने वाला था और उनके पिता, महिला के पिता, उनको पानीपत छोड़ने जा रहे थे उनके हस्बैंड के पास, उनके पति के पास। तभी मधुबन के पास एक हादसा हो जाता है, एक वोल्वो बस उन्हें टक्कर मार देती है पीछे से, जिनमें महिला अब इस दुनिया में नहीं रहती। लगभग 40 साल की उम्र महिला की बताई जा रही है और दो बच्चे हैं। परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जब भी आप सड़क नियमों का पालन जरूर करें, चाहे स्टेट हाईवे पर चले, चाहे नेशनल हाईवे पर चले, स्टेट हाईवे पर भी चलते समय सड़क नियमों का पालन जरूर करें। उनके परिवार के कुछ लोग हैं। सर, कैसे हादसा हुआ था सुबह ये? देखो, सुबह ये अपने ससुर के साथ गाँव से मोड़ा से पानीपत के लिए रवाना हुए, और वो रवाना होने के बाद लगभग 7:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। पीछे से शायद बस ने टक्कर मारी, कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। तो बच्चे के यहाँ इस हाथ में चोट है, वो 3-4 जगह से टूटा हुआ है, और लेडीज मौके पर ही एक्सपायर होगी, और जो ससुर जी थे उनके भी चोट लगी हुई है। उसका एक हाथ अलग है, दूसरा लेडीज का। तो बुरी तरह से इंजरी हुआ पड़ा, बस ये देखा नहीं जाता। सीधी सी बात, टायर के नीचे है या वो घिस का है ये नहीं कह सकते कुछ भी। बहुत ज्यादा दो बच्चे हैं, एक लड़का वो साथ में ही था, उसे इसको बता रहा हूँ चोट लग रही है, उसका भी हाथ टूट रहा है। सीरियस है, 3-4 जगह से टूटी हुई है, उसका भी ऑपरेशन होगा जी। और इनके पिताजी, महिला के पिताजी, उनको भी चोट लगी हुई है, वो भी यहीं पे हैं, अभी भर्ती हैं ट्रामा सेंटर के अंदर जी। तो बस वाला फरार हो गया था? बस वाला तो मार के चला गया। उसे हम चाहेंगे कि सीसीटीवी फुटेज निकाल ली जाए और कन्फर्म करा जाए कि कौन सी बस थी। ये कन्फर्म नहीं है कि रोडवेज थी या कोई टूरिस्ट बस थी। हाँ, मतलब बस है अभी, कंफर्म ये नहीं है कि वोल्वो थी या फिर जी 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 जी। तो ये पानीपत की तरफ जा रहे थे? पानीपत जा रहे थे जी। हाँ, पानीपत मधुबन कॉम्प्लेक्स और जी थाने के बिल्कुल सामने हुआ। अच्छा, ये मतलब फ्लाईओवर? हाँ जी जी जी, वहीं पे। और किस समय की घटना है? सुबह ये 7 से 8 के बीच की। ज्यादा पानीपत में काम करते हैं जो इसका महिला का पति था, वो पानीपत में कारपेंटर का काम करता है, और उसके डैडी उसकी मैडम को लेकर जाने लग रहे थे पानीपत छोड़ने के लिए, तो बस यहाँ आते ही हो गए। बिल्कुल, एक बेहद ही दर्दनाक हादसा सुबह सुबह हो जाता है। मधुबन के पास एक बस एक महिला और उनके पिता और उनके बच्चे को टक्कर मार देती है, जिस हादसे में महिला की मौत हो जाती है, और जो बच्चा है और उनके पिता हैं महिला के, वो भी बहुत ही इंजर्ड हैं। उनको एडमिट करवाया गया है, उनका भी इलाज चल रहा है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। हालांकि जो बस थी और उनके ड्राइवर था, उनका अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया, और बस कौन सी थी ये भी अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया। यूपी का रहने वाला परिवार था और पति इनके पानीपत में रहते थे, वहाँ पर कारपेंटर का काम करते थे। महिला के पिता और उनका एक बच्चा छोटा सा, वो तीनों सुबह चलते हैं यूपी से मधुबन फ्लाईओवर के आसपास, वो पैदल चल रहे थे साइड में, तभी अचानक से एक बस उन्हें टक्कर मारकर मौके से फरार हो जाती है। आप हमारी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा, मैं हूँ आपके साथ मिलेंगे। सुबह एक दर्दनाक हादसा।